सो गाइस आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो क्यूनेट में हमारा पैसा फंस गया है उसे हम कैसे रिफंड करा सकते हैं, और इस पर बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई है लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा जिससे कि हम ये जान सकें कि कैसे क्यूनेट हम रिफंड करा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि कैसे पैसा रिफंड होता है, और इसको मैं लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा क्योंकि हमारा एक दोस्त ने कि पैसा रिफंड भी कराया, उसने 2.5 लाख रुपए लगाए थे। एक तरह से वो हमारे सब्सक्राइबर हैं कहा जाए तो, उन्होंने बहुत पहले हमें कॉल किया था, हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख के उन्होंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, और जब वो पैसा रिफंड कराया तब भी हमारे पास कॉल किया कि हमने पैसा फाइनली हमारा कल हमारा पैसा रिफंड हो गया है, 2.5 लाख हमारा पूरा वापस आ चुका है। तो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस उन्होंने किया था पूरा उन्होंने बताया था मुझे, तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्यूनेट में अगर आप लोग हम वीडियो देख रहे हैं, लोग जाहिर सा जिनका पैसा फंस चुका है वही लोग आए हैं देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे भी निकल जाए, तो उनको तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ में कुछ लोग नए भी होंगे जिनको मैं थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी दे दूँ क्यूनेट है क्या। एक्चुअली क्यूनेट का मतलब ये हो गया कि एक कंपनी है, और इस कंपनी के थ्रू कई सारे लोग इंडिया में लोग जुड़ के और आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये फ्रॉड करने वाले लोग आप ही के खास लोग हैं जो कि आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके खास दोस्त जो आपके साथ पढ़ा है बचपन से, 6 साल 7 साल आपने पढ़ा हो, या फिर आपका घर के बाजू वाला, आपका रिलेशन वाला कोई जो आपके दूर के रिलेशन का हो, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और इनको टारगेट किया जा रहा है कि आप भी अपने दोस्त को खास तौर पे उनको फंसाओ। और ऐसा नहीं है कि उनके फंसाने से ही, आप कई बार आप खुद भी देख के फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनको यही सिखाया जाता है आपको पर्सनैलिटी में रहना है, और ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी के लिए कंपनी उनको पैसा देती है, खुद के पैसा खर्च करके और आपको अच्छे से दिखाना है कि हम होटल में जाके अच्छा खासा महंगे महंगे होटल में जा रहे हैं, महंगा महंगा मतलब डिशेस खा रहे हैं, एक तरह से एक एक चीज़ें दिखाएंगे जो आप देखे भी नहीं होंगे, कई तरह के 5 स्टार होटल टाइप का, और उसके अलावा कहीं अलग अलग जगह पे ट्रिप दे देंगे, अच्छे अच्छे जगहों पे बाहर जाने का, वो भी सब अपने पैसे से ही, और सारा कांड करके और आपको दिखाया जाएगा कुल मिला जुला कि आपका दोस्त बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अयाशी से रह रहा है, मतलब एकदम उनकी ज़िंदगी अयाशी में कट रही है, और उनकी बात भी सीधा BMW और ऑडी के नीचे होने वाली है नहीं। तो इस टाइप का उनकी लाइफ को बना दिया जाता है ताकि आप देख के उन पर अट्रैक्ट हों, उनका इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप देखें तो आपको लगेगा यार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतना हाई फाई लोग हो गए, और आप जब उनसे बात करोगे तो फिर बस आपका ब्रेन वॉश चालू, और वहीं से आपको ब्रेन वॉश होगा, और आपको ये नहीं बताएंगे कि वो करते क्या है, आपको सीधा ही बताएंगे कि हम तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा विवेक बिंद्रा को, संदीप महेश्वरी जी को, ये सब लोग मोटिवेशन देते हैं, उस टाइप का ये लोग मोटिवेशन देने लगेंगे आपको। और विवेक बिंद्रा और बहुत सारे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं ये नहीं बताएंगे जब तक आप पैसा नहीं दे दें। अब मैं आपको बताता हूँ इनका तो ये फंसाने का तरीका हो गया, तो आप लोग जितने भी लोग जो नए हैं जो क्यूनेट के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस वीडियो को बस ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ कोई भी अपना खास दोस्त हो कभी भी इस तरह का अगर उनका लाइफ देख के आप सोच रहे हैं तो आप पैसा देने से पहले 1000 बार सोचिएगा, किसी पर भरोसा मत करिएगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर उससे कुछ भी लोग अगर देख के अवेयर हो जाए, उनका पैसा फंसने से बच जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ और मुझे पता है जितनी परेशानी हुई है क्योंकि मैं भी फंस चुका था। तो बाकी लोग ना फंसे, बस यही मेरा मकसद है कि बाकी लोग इसमें अगर एक दो लोग भी मेरे वीडियो से बच जा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग इन लोग इतने गिरे हुई हालत में है कि मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आपका लोन निकलवा देंगे और आपका लोन से वो लोग जो आपको ज्वाइन करा देंगे, और आपका जब फंस जाओगे तो आप लोन कैसे भरोगे, कंपनी बैंक तो आपके पीछे पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं आपसे पैसा लेने के लिए, और इनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, आपने देखा होगा कि ये लोग में अभी एक नया चल रहा है कि जब आप उसका पैसा ले लेंगे तो पहले क्या था कि पैसा लेने के बाद आपको कंपनी का नाम बता देते कि हमारा क्यूनेट कंपनी है ऐसा ऐसा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी लोग कंपनी का नाम भी जल्दी नहीं बता रहे, पैसा लेने के बाद भी आपको घुमा रहे हैं क्योंकि इनकी मार्केट में फैल चुकी है बात। तो ये लोग थोड़ा सा आदमी को वो कर रहे हैं कि मतलब इनके मार्केट में अवेयर बहुत सारे लोग हो गए हैं और बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर ये लोग पता चल जाएगा तो जल्द से जल्द, कंपनी की पॉलिसी होती है 1 महीने की, तो लोग 1 महीने से पहले आपको पता ही नहीं लगने देते, आपका कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाता है 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तब तक तो आपको पैसा चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा करते हैं। एक चीज़ और इनका होता है, ये अपने भाई अपने दोस्त जैसे आपको लगा दिए और खुद अपने भाई और अपने दोस्त को भी उसमें लगाएंगे, अपने पिताजी को बोलेंगे कि अपने पिताजी को लगाओ ताकि लोगों को देख के लगे कि अरे ये अपने पिताजी को लगाया है तो गलत तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पिताजी जब इसी में काम कर रहे हैं ये भी काम कर रहा है, अपने पिताजी को क्यों लगाएगा अगर गलत होगा। तो इस तरह से ब्रेन वॉश करके आपको मतलब वर्ग लाया जाता है। तो ये इनका बहुत ही तगड़ा, तो ये तो हो गया इनका फंसाने का तौर तरीका। अब जो लोग नए हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाके अपने जो टॉप
पॉपुलर वीडियो है, आप उसको जाके देखिए। वो सारी वीडियो क्यूनेट से ही रिलेटेड है और आप जाके देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यूनेट किस तरह से फंसा रहा है और मुझे कैसे फंसाया था, पूरी डिटेल में बना देखिए। तो हमने मोटा मोटी बस जानकारी दे दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। और बाकी अब हम जानते हैं कि इसका पैसा हम रिफंड कैसे करा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ हमारा ये है कि इसका पैसा रिफंड कैसे कराना है। क्यूनेट से पैसा रिफंड कराने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको उसका पॉलिसी पता होना चाहिए। जब भी आप क्यूनेट में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, जैसे कि ज्वाइन हो चुका है, तो उनको एक नंबर मिलता है, एक आईडी मिलती है क्यूनेट की तरफ से। वो आईडी आपके पास होना बहुत, और आपका ईमेल आईडी जो उसमें दिया है वो भी आपके पास होना जरूरी है। ईमेल आईडी नहीं दिए हैं तो आप अपना कोई नया ईमेल आईडी रखिए, अगर नहीं दे पाए हैं तो उस, और जो नंबर आपने दिया है तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट, जिसके जरिए कि आप क्यूनेट के टोल फ्री नंबर पर जाएंगे जो कि गूगल पे आपको मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे गूगल से आप नंबर निकाल सकते हैं। और बकायदा मैं आपको लिख लीजिए, गूगल नंबर निकालना है क्यूनेट का, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है और आपका आईआर नंबर होता है, आईआर नंबर या कुछ ऐसे बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा शायद अच्छे से। उस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, उस नंबर को देना है उनको टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, और वो लोग उस नंबर को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका पैसा अगर देखेंगे कि टाइम हो गया कि नहीं हुआ है, और अगर मान के चलिए कि आपका एक महीना हो गया है, तब तो आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी एक महीने की, एक महीने ज़्यादा होगा तभी जाकर वो लोग पैसे के लिए ना कर सकते हैं। अगर एक महीने के अंदर आप उनसे बात करते हो डायरेक्ट अपने क्यूनेट कंपनी से, तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपको पता चल गया पैसे के बारे में, तो आप अपने दोस्त जो आपको लगाया उसके बारे में उससे पूछोगे कि भाई फंसा पैसा मुझे रिफंड कैसे मिलेगा, ऐसे आपसे बात करोगे, लेकिन वो आपको बरगलाएगा नहीं, ऐसा है कौन सा बता दिया है, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, सब पागल लोग हैं, किसी को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा वैसा करके आपको चाहेंगे कि बस कैसे भी इसका प्रिंट वॉश करके इसको इसमें लगाए रखूँ। लेकिन आप जब नहीं मानोगे तो आपको लगेगा कभी तो मुझे मेरा पैसा फंसा दिया, मेरे को इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा, जब आप डायरेक्ट कंपनी में बात करोगे तो वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वो आपसे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। जहाँ तक कि मुझे उन्होंने बताया कि मेरे साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका पैसा जब वापस आया तो, और वहाँ कंपनी में ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो करेंगे, बस एकदम सही तरह से गाइड करेंगे आपको कैसे क्या करना है और कैसा पैसा रिफंड कराना है। बाकी अगर आपका एक महीना ज़्यादा हो चुका है आपका परचेजिंग, तो फिर दिक्कत है। और ऐसा है कि आपने जब पैसा दे दिया है तो आपको उसमें से कुछ प्रोडक्ट मिला होगा, वो प्रोडक्ट आपको आपके घर पे मिलेगा तो उसको एक महीने में वापस करना रहता है, तो आपको फिर उसी एड्रेस पे पैकेजिंग करके फिर वापस भेजना पड़ता है। तो लोग देखेंगे प्रोडक्ट सही है, यूज़ तो नहीं हुआ है, प्रॉपर सब कुछ चेक करके तब जाके आपका पैसा रिफंड करा देते हैं। तो इस प्रकार की उनकी पॉलिसी होती है और पूरा पूरा पैसा वापस आ जाता है। लेकिन ये चीज़ सारा काम आपको डायरेक्ट कंपनी में कॉन्टैक्ट करना है, ये दोस्त के पास तो रहना है, इससे पीछे पड़ना है, लेकिन कंपनी में बात करना है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो ये सारे खलबली मच जाएगी इनमें, क्योंकि इनका सारा जो मिलने वाला कमीशन हो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही वापस हो जाएगा तो फिर कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो ये लोग आपको कैसे इस टाइप का इनका वो होता है, मतलब रिफंड पॉलिसी होता है। तो आपको बस कॉन्टेक्ट करना है और उनसे बात करना है, और वो लोग पूरी तरह से आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट को वापस भेजना है और क्या क्या करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो आप लोग बस उस पर कॉन्टेक्ट करिए, बात करिए, और वहाँ से अपना पैसा रिफंड आसानी से करा सकते हैं। बस आपको इतना ही मैं बताना था। और पैसा रिफंड होता है, रियलिटी में होता है, एक महीने के अंदर में अगर आपको प्रोडक्ट मिला है और एक महीना नहीं हुआ है तो आपका तो 100% होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचा है उसका एक महीने के पहले अगर आप उसको करा लेते हो तो 100% होगा। तो ये वीडियो मुझे बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग क्या है, दो तीन दिन में पैसा दिए हुए होता है तब तक परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट कंपनी में बात करो। अगर आप इंडिया से हो, इंडिया के अंदर आप वीडियो देख रहे हो, तो इंडिया में डायरेक्ट इंडिया का मैं नंबर दे दूंगा, इंडिया वाले क्यूनेट का, वहाँ डायरेक्ट जाकर फोन करो, डायरेक्ट बात करो उनसे पूरी तरह से, रोज कॉन्टैक्ट में रहो, डेली ईमेल करो, डेली उनसे बात करो, आपका पैसा 100% वापस आएगा। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मतलब मैं अपनी गारंटी नहीं देता हूँ, कंपनी मैंने मतलब लाइव देखा है, हमारे सब्सक्राइबर का पैसा वापस आया है, और उनका ऐसा छोटा मोटा नहीं है, 2.5 लाख रुपया वापस आया, और पूरा 2.5 लाख लगाया था, पूरा 2.5 लाख वापस आया। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ श्योरली कि पैसा वापस आता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम इसका कंपनी का नंबर ढूंढना है, पहले उसको देख लेते हैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने इसकी वेबसाइट खोल रखी है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए क्यूनेट सपोर्ट, और इसको मैंने खोला यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्च किया है क्यूनेट कंपनी टोल फ्री नंबर, और इसके बाद से हमने यहाँ पे जैसे सर्च किया तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सपोर्ट, क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो क्यूनेट की जो ऑफिशियल साइट है वो खुल चुकी है, और यहाँ पे पूरा इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनल टोल फ्री नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हांगकांग के लिए, इंडिया के लिए, इंडोनेशिया, क्यूनेट इंडिया,
तो यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है टोल फ्री नंबर्स, आप इसमें से अपना जो भी है, यहाँ पे इंडिया हॉटलाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 888-06-32532। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और इसकी एक और वेबसाइट है ऊपर में, इसको देखिए, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया का हॉटलाइन 888-06-32, ये हॉटलाइन नंबर है इंडिया का, तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिया हुआ है। तो ये बाकायदा मतलब आपको गाइड कर रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे इंडोनेशिया, यूएई, ये रहा इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप किसी पे भी कॉल करके और क्यूनेट की डायरेक्ट कंपनी से आप बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसका आईआर नंबर जो एक मिलता है, जब आप क्यूनेट में ज्वाइन होते हैं तो आपको एक आपका एक आईडी बनता है, और आईडी नंबर जो होता है ना उसको आईआर नंबर या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसी नंबर पे आपको जब तक वो नंबर नहीं देंगे कंपनी को, तब कंपनी में कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का जब जनरेट हुआ होगा नंबर तो ही आपको ये आईआर नंबर मिलेगा, और उसके बाद से आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे जो भी है अपना बता सकते हैं। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आपको उनसे बात होगा, जो भी कुछ होगा आप मेल कर सकते हैं। और इसका इनका डायरेक्ट ये आप जब इनसे बात करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और वो आईआर आईडी नंबर, आपका जो आईडी नंबर मिला होगा क्यूनेट की तरफ से, वो दोनों चीज़ लेंगे, और उसके बाद से आपसे जो भी उसमें आपका होगा, कैसे रिफंड होगा, क्या होगा, सब कुछ आपको पॉलिसी बताएंगे और उस हिसाब से काम चलेगा। बाकी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब कुछ समझा दिया है। ये बस आपका था क्यूनेट में किस तरह से इसको इनका टोल फ्री नंबर निकालते हैं, कई लोगों को नहीं पता रहता है, तो मैंने ये बता दिया।